परिवारवाद, बलात्कार, अपराध, भ्रष्टाचार इस देश में कोई मुद्दा है क्या? हमको क्यों लगेगा भाई, हम अपने मियां मिट्ठू कैसे बन जाए? आप यदि अच्छी राजनीति करना चाहोगे तो आपको वोट देने को कौन तैयार है? आप महागठबंधन है क्या? आपने जीतन राम मांझी का पहले ही दोनों भाई मिल के बध किए, अमित शाह और 21 मिनिस्टर को जो पॉजिटिव हुआ तो वहां सात थे क्या? अमिताभ बच्चन को जो पॉजिटिव कोरोना मैया धर लिया वहां सात और जमाती पहुंचे थे क्या? 20 जिला मनी ऑर्डर के पैसे से चलता है, 38.8% फैक्ट्री तो सिर्फ पटना में है, 19 जिले हैं जहां पर एक सुई की फैक्ट्री नहीं है। आपको लगता है कि आपका जनाधार इतना है कि आप इस बार मुख्यमंत्री बन सकते? हमको क्यों लगेगा भाई, हम अपने मियां मिट्ठू कैसे बन जाए? तय जनता करती है। आपने कई बार इस तरह के स्टेटमेंट्स दिए जिसमें आपने कहा है कि आप मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। मुझे तो आज तक समझ में नहीं आई, हमने तो कभी नहीं कहा। जब हम बात कर रहे हैं, हमारी पार्टी 100 में 90 हमारा तो 90 में 19% दलित भी तो है। आप अकेले चुनाव लड़ रहे हैं? 100 में 90 हमारा तो 21% अत्यंत पिछड़ा भी तो है। जन अधिकार पार्टी अकेले इस बार चुनाव लड़ रही है या आप महागठबंधन के साथ? हमारा दिल का रिश्ता और हमारा आई कॉन्टेक्ट 30 साल दुनिया का उम्र से ज्यादा होता है, और इन लोगों ने बिहार को कहां पहुंचाया। बिहार आज भी 5,30,000 लगभग सीट सरकारी खाली है, 20 जिले में मनी ऑर्डर के पैसे से। मैडम पहले सुनिए, 20 जिला, मैं वहीं आ रहा हूं, 20 जिला मनी ऑर्डर के पैसे से चलता है, ठीक है। 1.5% मात्र इनके पास फैक्ट्री है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया। 3,200 कुछ फैक्ट्रियां जिसमें 2,100 फैक्ट्रियां बंद के कंगार पर है। आप मुझे एक बात का जवाब दो ना, 38.8% फैक्ट्री तो सिर्फ पटना में है, 19 जिले हैं जहां पर एक सुई की फैक्ट्री नहीं है। और इन्होंने कहा कि मैं मजदूरों को जब लौट के आया, पहले तो इसने मरवाया, पहले ने इसने भगाया, और जब लौट के आया तो इन्होंने कहा मैं स्किल की बात करता हूँ। मुझे सवाल ले लेने दीजिए, आपने मेरे पहले सवाल का जवाब दिया नहीं पप्पू जी, कि क्या आप इस बार बिना महागठबंधन के अकेले चुनाव लड़ने जा रहे बिहार में? मैंने महागठबंधन क्या है, कौन है? है क्या, कौन है? आप महागठबंधन है क्या? आपने जीतन राम मांझी का पहले ही दोनों भाई मिल के बध किए, इनको परजीवी दलित चाहिए, इनको परजीवी मुसलमान चाहिए, इनको परजीवी ऊंची जात चाहिए, इनको परजीवी अत्यंत पिछड़ा चाहिए, ये इस्तेमाल करेंगे। आप महागठबंधन में जीतन राम मांझी को लात मारे, महागठबंधन में आपने कुशवाहा को रौंद दिया, महागठबंधन ने आप निषाद खोखा दिखाया, महागठबंधन में आप कांग्रेस को आप पिछलग्गू बना लेते हैं। आप महागठबंधन का क्या मतलब, महागठबंधन आप तो बिकाओ, आप तो कंप्लीट रूप से आपको देख नहीं रहा है क्या? आप महागठबंधन जो विस्तारित होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, आपने कमजोर किया। मैंने तो कई बार अपील किया लालू यादव जी से, मैंने कहा कि आप यदि समय समय पर आपने चाहे जिस कारणों से आपने कुर्बानी देने की बात आपने कही है, तो आज आप एनडीए को रोकना चाहते हैं तो आपको किसी भी कीमत पर अपने परिवार से अलग होना पड़ेगा। आज परिवार सवाल नहीं है, आज आप लाइए ना आपके दल में कोई अत्यंत पिछड़ा मजबूत लीडर हो, या आप मतलब कोई दलित लीडर हो। मैंने परिवारवाद की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं एकदम नहीं। परिवारवाद, बलात्कार, अपराध, भ्रष्टाचार इस देश में कोई मुद्दा है क्या? ये राजनीति का कोई हिस्सा है क्या? जितना ज्यादा दुष्ट, जितना ज्यादा 47, जितना ज्यादा बेईमान, जितना ज्यादा उन्मादी, जितना ज्यादा काटमार, जितना आप गड़ियाओगे जात को, मुसलमान को, हिंदू को, धर्म को, मजहब को, उतनी बड़ी राजनीति करोगे। आप यदि अच्छी राजनीति करना चाहोगे तो आपको वोट देने को कौन तैयार है? आप उठा करके देख लो। आप यदि आज ओबीसी कभी बिहार आते नहीं, या कोई बिहार आता नहीं, कभी पानी आता है तो इस गायब हो जाते हैं, चिमकी बुखार में गायब हो जाते हैं, कोरोना वायरस में गायब हो जाते हैं, एनआरसी में, हैदराबाद में ओबीसी ने धरना नहीं दिया। आप हमेशा आप अपने घर में 7 चुनाव लड़ते हो, बिहार में बोलोगे 50 लड़ेंगे। आप केरल, आप वहां जाते हो जहां आपको एक डॉक्टर कपिल पर छोटी सी बातों को अलग चलते एनएसए लग जाता है, और आप दुनिया की इतनी बड़ी बात बोलते हो तो आपको एक बार भी चैलेंज नहीं कर पाता है लोग। अब मुझे आप एनडी, आप महागठबंधन, आप महागठबंधन कंप्लीट रूप से कठपुतली की तरह बीजेपी की भी टीम बनकर के आप काम करोगे, ये तो आप कहेंगे ही, क्योंकि आप साथ में नहीं है, ये तो आप पर भी आरोप लग सकता है। मुझे तो समझ में नहीं आता, पप्पू यादव पर आरोप लगता तो 160 एनआरसी में मीटिंग, और जब पप्पू यादव को गाली पड़ रही थी, याद रखना जहां भी एक छोटी सी छोटी घटना घटी, पप्पू यादव इज वाज द देयर। और जो एनआरसी में ना तो बड़े कोई हिंदू, कोई लीडरशिप, मुलायम सिंह का खानदान और लालू यादव जी का खानदान, क्या एनआरसी में
एक कदम भी बाहर निकला क्या? ठीक है, मुझे आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, इतनी बड़ी लड़ाई हुई, इतनी बड़ी विचारधारा की लड़ाई थी, ये कोई कोरोना वायरस में आपने जमात और साध को आपने कोरोना वायरस बना दिया था, जात और धर्म बन करके, मजहब बन करके, तो क्या क्या, तो मैं जानना चाहता हूँ अमित शाह और 21 मिनिस्टर को जो पॉजिटिव हुआ तो वहां साध थे क्या? अमिताभ बच्चन को जो पॉजिटिव कोरोना मैया धर लिया, वहां साध और जमाती पहुंचे थे क्या? 176 बहुत क्लियर है भाई मेरे बात। नहीं नहीं, इसके अलावा मैं सवाल कर रही हूँ, इसके अलावा सवाल ये कि आपने कहा कि आप मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते, तो बिहार का मुख्यमंत्री फिर कौन बने? मैंने ये तो नहीं कहा नहीं बनना चाहते, दुनिया चाहती है, मैं भी चाहता हूं। जनता चाहती है कि पप्पू यादव मुख्यमंत्री बने। सर आप सर्वे करा लें, यदि इंडिविजुअल लीडरशिप की बारी आएगी तो मैं सबसे बड़ा सेवक और सबसे बड़ा बेटा इस बिहार के 13 करोड़ लोगों का घर में और दिल में हूँ। लेकिन मेरी पार्टी की जो आइडियोलॉजी थी मैंने उसको कहा, आज यही पप्पू यादव बिहार के बाहर होता तो हम भगवान हो जाते, या नहीं तो अकेला जब अरविंद केजरीवाल इस्तेमाल हो सकते हैं, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी, जगन, स्टालिन, तो पप्पू यादव क्यों नहीं हो सकता था? लेकिन बगल में उत्तर प्रदेश में 5 साल के बाद सरकार बदल जाती है, बिहार में 15 साल तक आप 15 सालों तक क्या ठेकेदारी लिए हुए हैं क्या? 5 साल काफी नहीं होता है दुनिया चेंज करने के लिए, और 15 सालों में नीतीश कुमार जी आपसे यदि पूछे और वर्चुअल रैली करते हो तो आपको ऐश्वर्या और रामलखन सिंह का पोता और सुशांत के अलावे आपको 23 डॉक्टर मर गया हुए याद नहीं आया? आपको कन्हैया गुप्ता बीजेपी का अध्यक्ष मर गया, आपके यहाँ इतने लोग मर गए, बाढ़ में 56 लाख लोग सड़कों पर रहे, आपको वो याद नहीं आया? बिहार 26वां नंबर पर गरीबी में और 25वां नंबर भूख पर, आपको वो याद नहीं आया? जो मजदूर बिहार में बाहर से लाठी खा करके गोली खा करके आया, क्वारंटाइन में 8,400 करोड़ रुपया आपने लूट ली, और उसके बाद आप स्किल की बात किया, वो सारा मजदूर अपने बच्चों को खाना खिलाने के लिए फिर बाहर जा रहा है, आपको वो याद नहीं आया? आपको याद आया ऐश्वर्या? आप वर्चुअल रैली में, नीतीश जी आप 5 साल में अपनी बात क्यों नहीं करते हो? आप ये क्यों नहीं कहते हो कि बिहार कहां पर है? आप लालू यादव की चर्चा क्यों करते हो? 2005 के पहले लालू यादव था, 2015 में आप लालू यादव मिलकर के गठबंधन बनाए, और उसका बेटा तब भी ऐश्वर्या का पति था जब आपके यहां स्वास्थ्य मंत्री बना था, उसका बेटा तब भी नालायक था जब डिप्टी सीएम आपने बनाया था, आज आपको नालायक नजर आता है? और आज 2015 के बाद लालू यादव खराब कैसे? आप 2015 का 2020 का गेम खेलना चाहते हो? बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो जिस तरीके से न सिर्फ सीएम नीतीश कुमार पीएम मोदी को चैलेंज दे रहे हैं पप्पू यादव, बल्कि महागठबंधन पर भी जमकर निशाना साध रहे हैं। हालांकि जिस बेबाकी से उन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया है, बिहार में चुनाव है और चुनाव में किस तरीके से पप्पू यादव एक बार फिर राजनीति में जो उनके कदम लड़खड़ाए थे उसको एक बार फिर मजबूत करने में साबित होंगे, आने वाला कल बताएगा। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो अगर आपकी कोई शिकायत या सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारी कोशिश होगी उन सवालों का जवाब देने के लिए। एबीपी अनकट के लिए फिलहाल इतना ही। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।